असलमकम वेलकम टू दिस वीडियो तो अभी मैं और हलीमा जो है ना ब्रेड के पीसीस कर रहे थे यहाँ पर क्या डक्स को डालेंगे इंशाल्लाह तो मैंने हलीमा को लगाया है कि वो इस तरह से इसको तोड़ेगी तो ये एक्टिविटी अच्छी है उसके लिए मोटर तो स्किल्स के लिए अच्छी होती है बच्चों के लिए और इससे जो है ना उसको टेक्स्चर भी पता चल जाएगा कि इसका कैसा टेक्स्चर होता है ब्रेड का तो ये अच्छी है एक्टिविटी अभी टैबलेट उससे मैंने ले लिया है और जो है ना अब वो ये कर रही है साथ माशाल्लाह से और बड़ी खुश हो रही है तो बिजी है या या यू डोए आई हेल्प यू अभी थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं यहाँ पर क्लीनिंग वाली तो वो करूँगी अभी हलीमा वहाँ पर ब्रेड कर रही है ना तो वो थोड़ा सा मैस वगैरह हो जाएगा क्रम्स वग़ैरह नीचे गिरेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रश वग़ैरह करना है और उसके बाद मैंने दूसरी साइड पर कपड़े रखे हैं इस जो सिटीज हैं वो भी मैंने चेंज चेंज कर दी है अब वेदर चेंज हो रहा है गर्मी हो जाएगी तो इसलिए ना मैंने सोचा है कि विंडो के आगे से जो है हटा दूँ ताकि रोशनी अंदर आए ज़्यादा तो इसीलिए वेल डन गुड जॉब और कुछ चीज़ें अभी यहाँ से उठानी है ये हीटर अब इसकी ज़रूरत नहीं है ये यहाँ से निकालना है ये मैंने कपड़े रखे हैं यहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं दिखाऊंगी कि कौन कौन से मैं स्टिच करूंगी इंशाल्लाह अभी मैं थोड़ी देर में ये भी दिखा देती हूँ और उसके बाद पार्क जाऊँगी वो ब्रेड डक्स को डालनी है और जो लास्ट ब्लॉग में मैंने शूज़ दिखाए थे वो मुझे बहुत पसंद है और मेरा इरादा है कि वो मैं जो जा है जाऊँगी इन लूँगी तो देखती हूँ कि मैं जा पाती हूँ या नहीं तो चलो जल्दी जल्दी ये काम सिमटा लेते हैं तो फिर बाहर निकलते हैं

और समर के लिए मैंने कुछ कपड़े निकाल के रखे हैं जो मैंने स्टिच करने हैं मैं सोचा आपको दिखा देती हूँ लास्ट टाइम भी मैंने जो फैब्रिक होल दिया था ना फिर सारे जो ड्रेसिज वगैरह थी और उनके सारे ट्यूटोरियल में बनाए थे वो एक प्ले बनाई थी उसमें डाल दिए हैं तो वहाँ पर आप सारे चेक कर सकते हैं मुझे वो कम्प्लीट करने में एक साल लग गया लेकिन ये देखते हैं कि तो मैं कितना टाइम में कंप्लीट करती हूँ ये भी इस तरह से कॉटन का फैब्रिक है ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था माशाल्लाह से ये मुझे अच्छा लगा था उस वक्त सर्दी थी तो मैं स्टिच नहीं कर पाई तो अब जो है मैं सोच रही थी कि ये कॉटन कॉटन सा लगता है तो ये जो है ना मैं गर्मियों में स्टिच कर लूँगी इन तो एक ये वाला है इसके साथ ये इस तरह से शलवार है इसका मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा था इस तरह से इस पर एम्ब्रॉयड्री है और ये जो है साथ दुपट्टा है मुझे पता नहीं सही के जब स्टिच करूंगी बताऊंगी अभी मैंने कोई इसका नहीं सोचा कि इसको मैं कैसे स्टिच करूंगी कोशिश मैं कर रही हूँ कि सिंपल सिंपल स्टिच करो घर में ज़्यादा जो ना हैवी ड्रेसेस या बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले अच्छे नहीं लगते तो इसलिए जो ना मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करूंगी सिंपल सिंपल बनाऊंगी तो ताकि फिर जल्दी भी स्टिच कर लूँ और एक ये वाला लिया था ये मैंने जब इसको वाश किया था श्रिंक किया था तो वह मैंने दिखाया था उस वक्त बाहर तार पर डाला हुआ था तो ये भी स्टिच करना है इसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा था इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से था यहाँ पर ये बना हुआ लेकिन मैंने अभी नहीं सोचा कि कैसा बनाना है मुझे अपने लिए इतना अच्छा नहीं लगा कि शायद ये मेरे पे ऐसा सूट नहीं करेगा तो मैं जो है ना अपने हिसाब से स्टिच करूँगी तो कई दफ़ा होता है ना किसी को पहने हुए कपड़े आप देखें तो आपको वो अच्छे लगते हैं लेकिन जब आप ख़ुद अपने लिए स्टिच करें तो वो इतने अच्छे नहीं लगते थे इसलिए जो है ना आप अपने हिसाब से क्योंकि हर इंसान डिफरेंट होता है तो फिर जो है ना हर इंसान पर कलर भी और फैब्रिक भी ये सारी चीज़ें डिफ़रेंट लगती हैं और ये है ये दुपट्टा है और ये शलवार का है और ये कमीज़ का है आई थिंक चलो जब मैं स्टिच करूँगी ना तो फिर मैं वो शेयर करती जाऊँगी साथ साथ और ये भी ये सारे लिनन के हैं गर्मियों के तो कपड़े हैं सारे और ये है एक इसका प्रिंट में खोल के दिखा देती हूँ कैसा है ये उल्टा है फिलहाल इसका सीधा करते हैं ये भी मुझे अच्छा लगा था इस पर थोड़ी एम्ब्रॉयडरी थी हाँ ये गले पर इस पर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी है ये भी अच्छा है इस तरह तो पता नहीं कैसे मैं रेड कलर ले आई <laughs> अच्छा जी ये वाला जो है ना इस तरह से डिज़ाइन है मुझे इस तरह के जो बोट नेक होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं तो अब अभी तक मैंने कोई बनाया नहीं है ऐसा लेकिन ये है कि ये अच्छा डिज़ाइन है इसको भी मैंने वाश किया हुआ है ये भी जो है मुझे अच्छा लगा था गर्मियों का फैब्रिक है तो ये इसलिए मैंने सोचा था कि मैं स्टिच कर लूँगी इनशाला तो देखते हैं कि कितना टाइम लगा कर मैं ये सारे स्टिच कर पाऊंगी तो इसका डिजाइन भी अच्छा है और इसके साथ जो है ना शलवार इस तरह से रेड कलर में है प्लेन और दुपट्टा इस तरह से है ये इस... ये दोपट्टे का मुझे नहीं पता कि ये कौन सा फैब्रिक है दोपट्टे तो ये जो है ना सर्दियों में भी यूज हो सकते हैं ये जो है ना काफी ये, सा है। इसका जो होता है। ये खोल के दिखा दो ये इस तरह से है ये वाला मैंने बहुत टाइम से लेकर रखा हुआ है और ये मैं लाई थी पाकिस्तान से तो ये उस वक्त जब मैंने लिया था ना आप यकीन नहीं करेंगे ये जब मैंने लिया था ना 600 सौ का लिया था तो वहां पर ये टू पीस सूट था और इतना इसका जो ना बर नहीं है फैब्रिक इसका इतना ज्यादा नहीं है तो मैंने इसका थोड़ा सा डिफरेंट सोचा हुआ है कि इसको मैंने कैसे बनाना है तो इसकी जो ये शलवार वाला फैब्रिक है ना इससे मैंने सोचा था कि मैं जो इसकी कमीज बनाऊंगी और इसके साथ जो है ना इसका जो ट्राउज़र है वो बनाऊंगी तो शलवार तो इसकी जो है ना बड़ी सीधी सी बनेगी क्योंकि फैब्रिक जो कमीज़ का ये प्रिंटेड फैब्रिक जो है वो भी और ये वाला भी इतना ज़्यादा नहीं है बहुत ही मुझे थोड़ा सा लगा है स्ट्रेट कट जो ट्राउज़र है वो ही बनेगा ये देखें इतना सा फैब्रिक है बस सैक ये डबल फोल्ड में है ये तो इतना सा है तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसकी वो मैं कैसे बना पाऊँगी ट्राउज़र तो चलिए देखते हैं कि क्या बनता है इसका और कुछ और भी मैंने रखे हुए हैं ये मैंने पहले टाइड कर लूँ फिर मैं वो दिखाती हूँ ये वाला सर्दियों का है तो फैब्रिक बहुत अच्छा है ये वाला भी ये हाला लाई है मेरी तो हम दोनों बहनों के लिए वो ए लाई है मेरे ख्याल में उसका भी ऐसा ही है और वो मेरे लिए भी ले आई है फिर जब भी वो आए ना या कोई बात हो तो वो जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है माशाल्लाह से तो ज्यादातर जो है ना जितने भी कपड़े हैं ना ज्यादातर वो गिफ्ट ही होते हैं मेरे में स्टिच नहीं कर पाती रखे रहते हैं और एक और है ये वाला कुर्ता भी जो है ना खाला ही लाई थी और अब मुझे याद भी नहीं है कब लाई थी माशाल्लाह से अभी भी मैंने रखा हुआ स्टिच नहीं किया तो इसके साथ मैंने ये लेस रखी थी कि मैं इसके साथ डिज़ाइनिंग करूँगी तो इसका डिज़ाइन जो बना हुआ था वो कुछ ये सिर्फ जो है ना कुर्ते का फैब्रिक है तो इस तरह से ना ये जो होते हैं छोटे छोटे समोसे से लगे हुए तो ये वाला मेरे पास इस तरह का कोई फैब्रिक नहीं है लेकिन जो है ना ये सूट सूट नहीं है मैं कुर्ते का जो फैब्रिक है ना बड़ा अच्छा है तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ना ये ये मैं जो है ना स्टिच कर लूँगी और वाइट ट्राउज़र के साथ इसको मैं इस्तेमाल कर लूँगी और ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था बड़ा ये एक फ़ैंसी सी इसकी लुक है और इस पर जो डिज़ाइन बना हुआ है वो भी बड़ा प्यारा लग रहा है मैं देखूंगी सिंपल है वैसे ट्राउज़र पे इस तरह से ये समोसे से लगाए गए हैं तो ये भी अच्छा लग रहा है तो मैं देखूंगी कि मैं इसका कैसे डिज़ाइन करती हूँ मुझे इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसके साथ आप डार्क ग्रीन दुपट्टा भी ले सकते हैं लेकिन ये ना मुझे बहुत पसंद है ये है दुपट्टा थोड़ा फैंसी है किसी पार्टी वगैरह में भी पहना जा सकता है तो इसलिए जो ना मैं ये वाला ज़रूर स्टिच करूँगी इन ये पैचज़ वाला है गले पर भी इस पर जो है डिज़ाइनिंग है इस तरह से ये वाली खोल के दिखाऊं तो दामन पर भी इसी तरह है और गले पे भी ये मुझे अच्छा लगा था तो इस तरह से मोती लगे हुए और ये स्लीव्स हैं स्लीव्स पर जो डिज़ाइन वो उधर बना हुआ है ये वाला ये इतना फैव... इतना फैब्रिक नहीं है जितना यहाँ पर दिखाया गया है देखते हैं कि ये वाला डिज़ाइन नहीं बन पाएगा ये तो सिंपल सही बनेगा चलो और ये प्लेन इसकी शलवार थी ये भी अच्छा लगा है मुझे ये वाले जो लाइनिंग वाले होते हैं ना ये मैंने खुद लिए थे तो ये मैं स्टिच करूँगी इन लेकिन यह है कि लाइनिंग वाले जी ना मुझे बड़ा डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए कि अक्सर लाइनिंग जो होती है ना वो सही अच्छे से सेट से नहीं होती तो इसी वजह से कि इसका जो कमीज़ का फैब्रिक है इतना अच्छा नहीं है टू तो बी ऑनेस्ट सच्ची बताऊँगी ये मैंने खुद लिया है लेकिन यह है कि मुझे सिर्फ इसका कलर ज़्यादा अच्छा लगा था कपड़ा इतना कमीज़ का इतना अच्छा नहीं है शलवार का कपड़ा बहुत अच्छा है शलवार का जो है ये वाला है शलवार भी इसी में आ जाएगी और जो साथ में लाइनिंग है वो भी इसी से निकल आएगी और इस तरह से इसकी पाइपिंग वगैरह हुई है तो ये जो है ना मैं स्टिच करूंगी तो देखती हूँ कि मैं कर पाऊंगी या नहीं एक और है ब्लैक कलर में और ये है इसका दोपट्टा सॉफ्ट है इतना वो नहीं है कि गर्मियों में पहने तो वो जो ना चुभते हैं कपड़े उस तरह का नहीं है गर्मियों में पहना जा सकता है तो ये सॉरी खड़खड़ हो रही है साथ पेपर ये जो है और ये वाला दोनों ये वाला फैब्रिक बहुत अच्छा है ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक वाला जो ना ये बड़ा प्यारा फैब्रिक है और ये इसकी शलवार है और ये आई थिंक कमीज है मुझे खोल के देखने दे हाँ तो ये कमीज है इसके आगे इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है ये वाला भी मुझे अच्छा लगा था तो ये दोनों जो है मैं ट्राई करूंगी स्टिच करने के लिए देखते हैं कि मैं सेट कर पाती हूँ या नहीं व्लॉग्स में शेयर कर दूँगी मैं दिखा दूँगी स्टिचिंग इनकी जो है कटिंग और स्टिचिंग दिखा दूंगी लेकिन हो सकता है कुछ एक जैसे ही स्टाइल में उनकी कटिंग होगी लेकिन यह है कि चलो मैं ब्लॉग में शेयर कर दिया करूँगी दिखा दिया करूँगी फाइनल लुक गर्मियों में जो है ना इस तरह से जो ब्लैक कलर है ना इनमें गर्मी बड़ी लगती है लेकिन है ब्लैक कलर अच्छा भी बड़ा लगता है पहने हुए मैंने बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर पहना है अबाया वगैरह मेरे ब्लैक कलर में ही होते हैं तो इसलिए जो है ना मैं थोड़ी बोर्ड हो जाती हूँ तो ये वाला जो है ना इस पर थोड़ा डिफरेंट है बहुत ज़्यादा प्लेन नहीं है थोड़ा इस पर काम है इस तरह से तो ये अच्छा लग रहा है ये जो है इसकी लाइनिंग है लाइनिंग थोड़ी इसकी ज़्यादा सिल्की सी है ये वाली थोड़ी हैंडल करने में मुश्किल पेश आएगी पर चलो देखेंगे इन एक एक मैंने जो स्टिच कर लिया ना एक पर काबू पा लिया तो फिर मैं इनशाला दूसरा भी कर लूँगी एक मैंने पहले किया था बहुत पहले तो वो अच्छा स्टिच हो गया था लेकिन सिर्फ ये था कि उसकी जो कमीज़ का जो दामन था ना उस पर काफ़ी ज़्यादा काम था और जब लाइनिंग मैंने अटैच की तो वो थोड़ी सी जो ना साइड पर बूव हो जाती थी बाकी बहुत अच्छा स्टिच हुआ था तो चले जी ये मैं कपड़े सारे समेटती हूँ पहले तो फिर आप पार्क में चलते हैं बथों बत, को ब्रेड डालने के लिए आज फिर हवा काफ़ी तेज़ चल रही है लेकिन पार्क बिल्कुल खाली है कोई एक एक आध इंसान है उधर वो कुत्ता लेके घूम रहा है बाकी कोई भी नहीं है अभी तक या मैं जल्दी आ गई हूँ या फिर बच्चे तो आज स्कूल में हैं ज़्यादातर तो लोग बिजी होते हैं हम आज डालेंगे बपू को ब्रेड धूप काफ़ी तेज़ है आंखों में लग रही है लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा क्वाइट है हवा चल रही है तो वक्तों की आवाज़ आ रही है ना तो यूँ डर सा लगता है हलीमा जा रही है आगे आगे पर कोई एक इंसान जा रहे हो उधर से चलो खैर अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से आज मैं तीसरी दफ़ा पार्क में आई हूँ तो एव... आओ ना तो कई कई महीने गुजर जाते हैं लेकिन वेदर अच्छा होना तो दिल भी करता है तो आजकल वेदर बहुत अच्छा है और धूप निकलती है तो पार्क में भी आने का मज़ा आता है और धूप लगती है तो इंजॉय करती हूँ तो इसीलिए जो है मैं हलीमा को लेकर आ जाती हूँ क्योंकि अभी इन वो सितंबर में स्टार्ट करेगी नर्सरी तो एक दो नर्सरीज में पता किया था लेकिन जो है एक नर्सरी में उसको जगह मिल रही थी वन टू तो सिक्स जो टाइम सूटेबल नहीं था मेरे लिए तो इसलिए और लेट भी था काफ़ी तो मैं डूब रही थी कि मॉर्निंग का टाइम मिले तो फिर जो है ना उसकी जब वो फुल टाइम स्कूल होगी ना तो उसकी रूटीन बन जाएगी वो इजी हो जाएगी लेकिन खैर ऐसा कोई नहीं बना सिस्टम तो इसीलिए ना फिर मैं उसको इस तरह से लाती हूँ पार्क वग़ैरह में वो चीज़ें एक्सप्लोर करती है स्टिक्स वग़ैरह उठाती है फ्लावर्स और डिफरेंट चीज़ें देखती है उनके नाम वगैरह भी अब उसको माशाल्लाह आते हैं थोड़ी सी अभी वो क्लबज़ी है गिरती बहुत है वो तो इन शाला आस्ता वो भी ठीक हो जाएगी क्योंकि पुस्चर में लाती हूँ कि थक जाए तो बैठ जाए वरना जो है ना कोशिश करती हूँ कि वो चलती रहे ज़्यादा बेहतर है उसके लिए उसकी एक्सरसाइज होती रहे हलीमा को बहुत शौक भी है स्कूल जाने का तो जब भी वो मेरे साथ साथबा को पिक ड्रॉप करने के लिए जाती है तो वो कहती है मैं भी जाऊँगी तो कभी कभी तो रोना शुरू कर देती है मैंने कहा थोड़े दिन रह गए हैं तो चली जाना यहाँ पर जो प्राइवेट नर्सरियाँ वग़ैरह होती हैं उनमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव पड़ जाती है तो अब तो जो प्ले करने के लिए चीज़ें वगैरह होती हैं लाइक नोटबुक्स हो गई या बुक्स जो ड्राइंग वाली होती है और कलरिंग पेंसिल वगैरह इनका भी कुछ नर्सरीज़ में है कि वो कहते हैं कि उनके भी चार्जेस वो लेते हैं ट्वेंटी पाउंड जो है वो मंथली लेते हैं तो फीस अलग से होती है तो काफ़ी पड़ जाता है तो बेहतर है बंदा घर में ही कुछ एक्टिविटीज़ बना ले बच्चों की और इस तरह से आउटडोर कुछ एक्टिविटीज़ होती है पार्क वगैरह में ले आती हूँ मैं तो ये भी हो जाता है अभी जो है पार्टी ट्रेन वाला जो है ना मैं शुरू कर रही हूँ उसका और उसके बाद जो है ना छोटी छोटी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कि वो सीख ले ताकि जब वो नर्सरी स्टार्ट करे तो वो खुद से चीज़ें कर ले क्योंकि यहाँ पर नर्सरी में जो है ना नर्सरी जब स्टार्ट करते हैं बच्चे तो बच्चों के कहते हैं कि वो पार्टी ट्रेन होने चाहिए वो खुद से जो है ना ट्राउज़र को अप एंड डाउन कर लें और कोट वग़ैरह पहन ले इतने सारे बच्चे होते हैं फिर जो है ना टीचर इतने सारे बच्चों की तो हेल्प नहीं कर सकते तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सीख ले माशाल्लाह से कर भी लेती है कोट वो पहन लेती है शूज़ भी वो कर लेती है माशाल्लाह कभी कभी कर लेती है उसके मूड पर डिपेंड करता है तो उसका मूड हो तो वो कर लेती है नहीं तो वो बैठी रहती है वेट करती है कि मुझे कोई शूज़ पहना दे और मैं सोच रही थी कि उसके लिए उसका जो ना नाम वगैरह लिखूँगी उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ में वो पहचान कर लेगी कि उसके नाम के क्या पहले है तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मैं उसके लिए करूँगी तो वो भी टाइम चाहिए इसी वजह से वो भी रुकी हुई है कुछ लेटर्स वग़ैरह वो कर लेती है माशाला से नंबर भी उसको आते हैं पहचान नहीं कर सकती लेकिन ये नंबर्स पहचान कर लेती है लेकिन लेटर्स जो है, वो उनकी अभी वो पहचान नहीं कर पाती लेटर्स का उसको पता है साउंड्स भी सिखानी दिया अभी उसको तो थोड़ी थोड़ी ये वाली चीजें करूँगी ताकि जो नर्सरी स्टार्ट करे ना तो फिर वो ईजी हो उसके लिए यहाँ पर माशाल्लाह से सिस्टम नर्सरी का ऐसा होता है कि वो खेल खेलते खेलते ना बच्चों को वो साथ सिखाते हैं लर्निंग होती रहती है बच्चों की तो बेस्ट वे होता है ये कि बच्चों पे फिर बर्डन नहीं पड़ता यहाँ पर मैं पिक्चर लेने की कोशिश कर रही थी और हलीमा पहले तो कैमरे के आगे आके खड़ी हो गई बैग लेके, तो फिर जो है वो उधर पीछे उसने बेंच देख लिया तो उधर चली गई है तो कोई अच्छी सी पिक्चर नहीं ले पाए हम हाँ। चलो खैर क्योंकि ये फूल वगैरह बड़े अच्छे प्यारे लग रहे थे तो मैं सोच रही थी जब अच्छी सी पिक्चर ले लूँ थम के लिए लेकिन हैर चलो कोई बात नहीं जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आज बहुत क्वाइट है क्योंकि वीक डेज है तो सारे लोग ज़्यादातर जो है काम पर होते हैं बच्चे स्कूल्स में होते हैं तो पार्क फ्री है मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही क्वाइट था कोई भी बंदा इधर नहीं था तो आराम से हमने यहाँ पर जो दिल किया हमने वो किया एक्सरसाइज़ वगैरह की जो ले लिए और हलीमा ने भी खूब फ़न किया और मेरा तो आप देख ही सकते हैं कि मैं तो ऐसे ही माशाल्लाह से एंजॉय करती हूँ लाइफ को मैंने यहाँ पर थोड़ा ही टाइम गुजारा था पाँच पाँच मिनट शायद मैंने लगाए होंगे यहाँ पर क्योंकि मुझे डर लगता है हलीमा आगे ना आ जाए और भाग भी जाती है उसने उधर जो प्ले एरिया था ये वाला देख लिया, लिया था नीचे से उधर से तो क्योंकि जो एक्सरसाइज वाली मशीनें हैं ना वहाँ से जो बच्चों का प्ले एरिया वो नजर आता है तो उसका दिल था कि उधर चले तो इसी जो है ना वो भाग जाती थी तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं पानी में ना गिर जाए इसलिए जल्दी जल्दी फिर मैं भी उसके साथ इधर आ गई थी तो यहाँ पर भी क्वाइट था एक बच्चा भी नहीं था इधर भी तो मैं और हलीमा इधर जुलेर वगैरह लेते रहे और कुछ स्लो मोशन में क्लिप्स लिए थे जो मैंने टिकटॉक पर डाले और कुछ मैंने इंस्टाग्राम पर डाले तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फ़ॉलो किया हुआ तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिएगा जैसे सब लोग कहते हैं ना वैसे मैं भी कह रही हूँ मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं लेकिन खैर वहां पर जो है ना कभी कभी मैं स्टोरीज वगैरह लगा देती हूँ जब जब मौका मिलता है तो डेली अपडेट्स के लिए वहां पर फॉलो कर लीजिएगा वीडियो के बारे में अगर कोई बात करनी हो या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का इंशाल्लाह थोड़ी सी ब्रेड बच गई थी तो वो दूसरी साइड पर यहाँ पर ये यह कुछ डक्स थी तो मैंने सोचा कि इधर डाल देती हूँ पता नहीं इनको फीड कर दिया गया है पहले या क्या बात है इतना वो खा नहीं रही थी या फेड अप हो गई है ब्रेड से क्योंकि अक्सर लोग जो है ना यहाँ पर ये यह बतखू को ब्रेड वगैरह ही डालते हैं ना तो शायद इनका दिल भर गया है ब्रेड से तो अच्छे से नहीं खा रही थी खैर मैंने फिर थोड़ी थोड़ी करके जहाँ जहाँ परिंदे वगैरह थे कव्वे कुछ थे वहाँ मैंने डाली है जो चीज़ें मैंने ली है शॉपिंग वगैरह की थी वो मैंने पोस्टेयर में डाली हुई है और यहाँ पर ब्रिज पर आकर मैं छोटा सा क्लिप लेने लगी और हलीमा बा गई मैंने कहा किधर गई हलीमा देखा तो वो आगे जा रही थी तो अब जो है घर चल के मैं दिखाती हूँ जो मैंने शूज़ वगैरह लिए हैं और घर जा मिलती हूँ आज बहुत मज़े की धूप निकली हुई है दे दे। कल मैंने जो ना वापस आकर वीडियो बंद कर दी तो फिर मैंने सोचा कि मैं दिखा दो जो मैंने बताया था कि मैं शूज़ लेने के लिए जा रही हूँ तो वो मैं शूज़ ले आई हूँ ये वाले ये बड़े शाइनी से हैं मुझे अच्छे लगे थे तो फिर ये मैंने ले लिए हैं दूसरे वाले जो है ना वो मैंने फिर नहीं लिए क्योंकि वो अच्छे से फिट नहीं हो रहे थे तो उनकी जगह फिर मैंने ये ले लिए हैं कि ये जो है ना इजी है पहनने में, फिर में फिर तो इसलिए जो है ना रोज़मर इस्तेमाल में ये वाले इजी रहेंगे तो इसलिए ये वाले मैंने फिर ले लिए हैं वैसे जिन वो जो पॉइंटी वाले होते हैं ना शूज़ वो वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे पास वो हैं वाइट कलर में वो अच्छे हैं एक ब्लैक में भी हैं वो हील के बगैर हैं वो वो भी अच्छे हैं तो वो वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये मैं पहने थे तो मुझे अच्छे लगे तो फिर मैंने जो है ना ये ले लिए दोनों और कुछ फैब्रिक भी लिया था जो आज की वीडियो में शेयर नहीं करूँगी इन वो मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी ये मैं किसी और शॉप से लाई थी जहाँ से फैब्रिक मिलता है जो शूज़ है ना ये शूज़ ऑन से लिए हैं ये बैग भी उनका तो वहाँ पर अभी भी जो है सेल है ये जो है ना दोनों पंद्रह पाउंड के थे ये भी पंद्रह पाउंड का था और इनकी भी प्राइस पंद्रह पाउंड ही है सो मैंने ये दोनों लिए हैं थर्टी पाउंड में फोटीन नाइन्टी नाइन का था एक पैर जो है तो फिर जो है पंद्रह पौनिया एक फैंस कम थी ए हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं तो ये मैंने कुछ लॉन्ग ड्रेसेस के लिए कुछ फैब्रिक लिया है कुछ हलीमा और नुसैबा के लिए ड्रेसेस बनाऊंगी तो वो जो ना मैं इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूंगी ये वीडियो काफ़ी लंबी है तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़